अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्मिक बॉडी राइबोसोम या रिबोसोम। बेटा एक ये डिबेट मौजूद है कि यह ऑर्गेनेल भी है कि नहीं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। वह ये आप लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वह राइबोसोम क्या है? ये पैलेट ने 1955 में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दानेदार चीज़ें दरियाफ्त की। फिर मजीद स्टडी ने इसको बताया कि ये क्या है, इसके बारे में मालूमात हासिल होती गई। तो बेटा देखते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर या दानेदार किस्म के अक्साम हैं जो पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच हालत में भी हो सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, और बेटा ये मैसेंजर आरएनए पर लग जाएं तो प्रोटीन की तैयारी का काम भी करते हैं। याद रखें, राइबोसोम का एक ही फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहा जाता है। तो बेटा ये जो ग्रेनुलर अक्साम हैं तैयार कहाँ होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस तैयार करते हैं, न्यूक्लियोलाई में तैयार होते हैं, और इसलिए हम न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस कहते हैं और राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। किस चीज से मिलकर बने होते हैं? तो बेटा ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ग्रेनुलर बॉडी है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए तकरीबन 40 से 50 फीसद इसके अंदर होता है, प्रोटीन तकरीबन 50 से 60 फीसद इसके अंदर होता है। इसीलिए हम इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल का मतलब यह है कि राइबो न्यूक्लियक एसिड के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है, और उसमें जो राइबो न्यूक्लियक एसिड है वो राइबोसोमल आरएनए है। यहाँ पे देखें, छोटे आर के साथ राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ये आरएनए लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो राइबोसोम का एक ही काम सामने आया, प्रोटीन सिंथेसिस। कंपोजिशन सामने आई कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। कहां बने हैं? ये न्यूक्लियोलाई में या न्यूक्लियोलस में बनते हैं। मजीद इसके बारे में एक बहुत अहम क्वेश्चन है, इसकी स्ट्रक्चर। तो बेटा ये दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, एक बड़ा यूनिट है, एक स्मॉल, एक छोटा यूनिट है। यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में पाया जाता है। फर्क क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में ये एक लार्जर सब यूनिट से मिलकर बने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में इसके सब यूनिट्स जरा स्मॉलर हैं। तो बेटा यहां देखें, यूकैरियोटिक सेल में जो लार्जर सब यूनिट है वो तकरीबन 60S का है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो तकरीबन 40S का है, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ये 80S वेट बनाते हैं। आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के टॉपिक में बताया था स्वेडबर्ग साइंसदान साहब के बारे में, स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में, तो ये उनका यूनिट है। इसी तरह यूकैरियोटिक में 60+40 80S यानी एक लार्जर साइज का राइबोसोम है, और प्रोकैरियोट्स में 50+30=70S टोटल 70 स्वेडबर्ग यूनिट का राइबोसोम है। इससे पता लगा यूकैरियोटिक राइबोसोम साइज में निस्बतन बड़ा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस आ जाए तो आपको यह बयान करना है। अब ये दोनों यूनिट आपस में अटैच कैसे होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों यूनिट्स को आपस में अटैच करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की जरूरत पड़ती है। इन दोनों सब यूनिट्स को आपस में अटैच होने के लिए मैग्नीशियम आयंस मदद करता है, तो तब ये एक दूसरे से अटैच होकर पूरा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं। चलें, तो फिर ये करते क्या है? जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हो तब भी ये प्रोटीन तैयार कर रहे हैं, और अगर मैसेंजर आरएनए पर ये लग जाए तरतीब से आकर और अपने अपने अमीनो एसिड्स को लेकर आए और एक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन चेन बनाएं, तो
फिर ये हमारे ट्रांसलेशन का कहलाता है। इस हालत में राइबोसोम को पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ये पॉलीसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब यूनिट्स, इनका साइज, मैग्नीशियम की मौजूदगी, कहां तैयार होते हैं, किस चीज से बने हुए हैं और क्या काम करते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन की तैयारी में सबसे अहम किरदार अदा करता है। इसकी मौजूदगी में ही सेल अपने तमाम प्रोटीन, अपने एंजाइम्स, अपनी चीजें तैयार करता है। तो उम्मीद है कि आपने इसको फॉलो किया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पॉलीसोम और इसकी ये शक्ल जो है डायग्राम, इसको भी तैयार करना है, याद करना है। पॉलीपेप्टाइड अलग दिखा रही है, कैसे बन रही है, मैसेंजर आरएनए में लगा हुआ है और प्रोटीन की तैयारी करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।